हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत करते हैं डी आराधना की दुनिया में। तो अभी देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं, आप लोग समझ गए होंगे। हम हैं दुकान में, शॉप में। तो चलिए पहले हम किन्हीं से मिलवाते हैं आप लोग को। देखिए मेरे लड्डू गोपाल, तो आज हैं जो मेरे लड्डू गोपाल भी हमारे साथ आए हैं। तो लड्डू गोपाल भी साथ में आज आए हैं और देखिए ये अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं। मिल लीजिए आप लोग। राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि इनको राधा जी बहुत बहुत मतलब इनकी प्राण है राधा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि राधे राधे लिखिएगा तो ये कितना खुश होंगे और कितना आशीर्वाद देंगे आप लोग को। तो देखिए मेरा गोदाम बहुत बिखरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है और बहुत बिखरा हुआ है, क्योंकि इधर हम कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं। जो सामान आता है लिखाता है वही सामान निकाल के दे पा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो बाकी ओके, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, हमको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे मेरे को। बहुत दिन से हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे और लेकिन अब सोचे हैं कि ब्लॉग डालेंगे। और हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा मोबाइल पकड़े पकड़े, तो इसके कारण ये हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और ये हम बिंदी साटे हुए हैं, तो ये क्या होता है कि जब लड्डू गोपाल को डेली साटते हैं बिंदी, और वही कल होकर बिंदी को हम खुद साट लेते हैं। बहुत लोगों का कहना होता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे दुर्गा पूजा में, बहुत सारे पर्व त्यौहार में क्या होता है, भगवान को चुंदरी चढ़ाते हैं, वो चुंदरी खुद भी ओढ़ते हैं। तो ये तो प्रसाद हुआ ना भगवान का, तो ये भी हम प्रसाद समझ कर बिंदी लगा लेते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। और यहाँ देख रहे होंगे आप लोग हल्दी भी लगा हुआ था। तो क्या है कि पूजा करते हैं तो हल्दी का टीका लगाते हैं भगवान को, तो हम भी लगा लेते हैं। तो बस, और अभी आप लोग को पता ही है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो ना आईब्रो बनाने का है। आईब्रो बहुत बढ़ा हुआ है नहीं बनाने के कारण, और नाखून भी बहुत ज़्यादा ख़राब है देखिए। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन मानते हैं इस श्राद्ध पक्ष को। 14 तारीख तक है, आज है 12 तारीख। और मेरे लड्डू गोपाल किन किन को प्यारे लगते हैं बोली बेटा, राधे 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 राधे, कितने प्यारे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे लड्डू गोपाल के लिए कुछ करिए या नहीं करिए, मेरे लिए कमेंट करिए या नहीं करिए, मेरे लड्डू गोपाल के लिए कमेंट कर दीजिएगा, है ना, मेरा बच्चा को अच्छा लगेगा। तो देखिए लड्डू गोपाल का ये घर से लेके आए थे, और यह देखिए इसमें इनका खाना रखा हुआ है। एक पेड़ा है, छुआड़ा है, मकुंदाना है, चूड़ा है, और काजू है इसमें रखा हुआ है यहाँ पे बगल में। और यहाँ पे मेरा बेड है, यहाँ पे हम डेली जब काम नहीं रहता है तो यहाँ पे हम सोते हैं, यहीं पे सोते हैं। और आज मेरे लड्डू गोपाल हैं तो आज हम सो नहीं रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, आज ब्लॉग बना रहे हैं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, ओके फ्रेंड्स। दुकान के बाहर, दुकान के इधर अंदर साइड में ही एक गौ माता रहती हैं, देखिए। यह देखिए इनका लगता है बच्चा होने वाला है, पता नहीं लेकिन पेट से तो लग रहा है कि बच्चा होने वाला है। और जब खाने के लिए देते हैं तो खा लेती हैं, लेकिन जब ऐसे करते हैं तो मारने के लिए भगाती हैं। और चलिए और दिखाते, देखिए ये रेलवे लाइन है, देखिए रेलवे ट्रैक है, और यहाँ पे ये है, और ये देखिए यहाँ है कढ़ी पत्ता का पेड़। यह कढ़ी पत्ता का हम डेली ले जाते हैं तोड़ के,
आपको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए था, क्या बोलते हैं, बेलपत्तर का पेड़ है ये देखिए। सावन में हम यही से बेलपत्तर ले जाते थे। और देखिए अभी क्या हो गया है, ये रेलवे लाइन वाला ये पेड़ को काटा ना, तब से ये पेड़ का जब गिर गया तो ये सब टूट गया है। रेलवे लाइन वाला ये सब पेड़ का काटने आया था तो काट दिया है। तो देखिए ये रेलवे ट्रैक, ये गुलजारबाग स्टेशन है, मतलब थोड़ा सा आगे है। और बस चलते हैं, दुकान खुला हुआ है, लड्डू गोपाल भी अकेले हैं। ये है ऐसे गौ माता का दर्शन कर लीजिए। गोपाल भी आ गए गौ माता का दर्शन करके, देखिए कितने खुश हैं, कितने क्यूट हैं मेरे लड्डू गोपाल, सबसे प्यारा मेरा बच्चा है। देखिए है ना, सुंदर है ना, ऐसे भी मेरे बेटा को नजर ना लगाइएगा कोई। गोपाल मेरे लड्डू गोपाल, छोटा सा है लल्ला मेरा, करतब करे कमाल, छोटा सा है लल्ला मेरा, करतब करे कमाल, लड्डू गोपाल मेरे लड्डू गोपाल। जब से मेरे लड्डू गोपाल मेरे लाइफ में आए हैं तब से हम खुश रहने लगे हैं। पहले भी खुश रहते थे लेकिन इनके आने से मेरा घर बहुत अच्छा लगता है। और इतने प्यारे हैं कि इनके साथ कौन नहीं खुश रहेगा। किनको किनको मेरे लड्डू गोपाल को लेने का मन करता है गोद में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जन्माष्टमी का वीडियो डालेंगे, वो भी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, लेकिन आप लोग को पता ही है, बताए ही हैं कि क्यों नहीं डाल पा रहे थे वीडियो को, तो बस। और देखिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। घर का दिखाएंगे कि आज हम किस तरह से घर को छोड़ के आए हैं। लोग घर आ गए हैं, लड्डू गोपाल को बैठा दिए हैं। और यह देखिए पूजा वाला ऐसे है, और यहाँ देखिए ऐसे रहता है, मेरे को एकदम टाइम ही नहीं मिल पाता है। यह देखिए ये ऐसे है, और यह देखिए मतलब ऐसे सुबह में खाना बनाया जैसे तैसे टिफिन में डालकर लेके चले गए। और देखिए ऐसे यही है मेरा लाइफ, मतलब एक मिनट भी टाइम नहीं मिलता है और एक दिन ब्रेक भी नहीं मिलता है कि हम कुछ कर पाएँ। अभी बज रहा है 7:30, हम अभी आए हैं, अभी लड्डू गोपाल को खाना पीना देने में लग जाएगा, हमको आधा घंटा लग जाएगा इनको सारा काम करने में। और उसके बाद पहले तो ये लगेगा 1 घंटे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, राधे राधे, गुड नाइट।